हाईलाइट टेक्स्ट एनिमेशन। आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम है कृष्णा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो पिक्सआर्ट ऐप से हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ से एक कलर का कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। जिस कलर से आप वर्ड्स में हाईलाइटिंग देना चाहते हो उस तरह का एक कलर चुन लेना है। जैसे मैं येलो चुनता हूँ, येलो बेस्ट है। टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे से आपको ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है और यहाँ से राइट पर क्लिक करके क्रिएट कर लेना है। अब ये हमारी हाईलाइटिंग लाइन क्रिएट हो गई। इसके बाद आपको यहाँ से इसे सेव कर लेना है, क्लोज करना है ऐप को और यहाँ से कैपकट को ओपन कर लेना है। सो मेक श्योर इसके लिए आपका वीपीएन ऑन हो। उस कैपकट को ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबका मेथड एक ही रहेगा, मैं आपको एक फोटो पे करके बता देता हूँ। जैसे मैंने ये फोटो सिलेक्ट की है, इसके बाद देखो आपको ओवरले पे क्लिक करना है। अब एड ओवरले पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद जो हमने पिक्सआर्ट से लाइन क्रिएट की थी उस लाइन को यहाँ से एड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब इस लाइन को जहाँ पे भी आपको हाईलाइट करना है उस नाम पे रख देना है। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया अच्छी तरीके से। और इसके बाद आपको जाना है मास्किंग में। तो मैं मास्किंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जिस भी साइड से एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो उस साइड में आपको घुमा लेना है। जैसे मैं यहाँ से ऐसे घुमा लेता हूँ, यहाँ से इसको देखो यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको की फ्रेम लगाना है और उसके बाद आपको आगे चलना है। आप जितनी लेंथ में सेट करना चाहते हो, जैसे कोई वर्ड आपका एक सेकंड का हो तो आपको एक सेकंड तक आगे चलना है और यहाँ से आपको फुल कर देना है इसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो हमारा की फ्रेम भी ऐड हो गया था, तो यहाँ पे देखो दो की फ्रेम ऐड हो गए। उसके बाद यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो अब देख लेते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हो इसमें कोई भी वर्ड नहीं दिखाई दे रहे हो। इसके लिए हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ओपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ओपेसिटी को 50 रखता हूँ यहाँ से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डल दिखने लगा है। इसके लिए हम दोबारा से क्लिप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं डार्कन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। डार्कन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा वर्ड बहुत अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो हमारी क्लिप में ये अप्लाई हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप कहीं भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। कोई भी वर्ड को हाईलाइट करना है अपने वीडियो में तो इस तरह से आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।